दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक आपको बताया था, उसके दोनों पार्ट हमने आपको बता दिए थे। आज बात करते हैं क्लॉक की। क्लॉक में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, और ये टॉपिक आपका मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, तो अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करिएगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि रीजनिंग में ये पोर्शन रख देता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि मैथ में उसने रीजनिंग रखी। तो ये टॉपिक मैथ में भी है, कैलेंडर जैसे आपका रीजनिंग में आता है, कैलेंडर भी आपका मैथ में है, सीरीज आपकी रीजनिंग में है, सीरीज भी आपकी नंबर सीरीज है वो भी आपकी मैथ में है। तो ठीक है, बात करते हैं आज क्लॉक की। क्लॉक का घड़ी हम बात करें तो घड़ी की आपकी जो दोनों सुइयां होती है, दोनों सुइयां हमेशा एक वृत्ताकार पथ पर ही चक्कर लगाती है। वृत्ताकार पथ पर दोनों सुइयां चक्कर लगाती हैं, तो उनके बीच में 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 360 अंश का कोण बनता है। जब दोनों सुइयां एक पूरे वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती हैं, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक घड़ी का पूरा चक्कर लगाएगी, और मिनट वाली सुई 60 मिनट में घड़ी का पूरा चक्कर लगाएगी, तब 360 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं जीरो डिग्री की। तो दोनों सुइयों के मध्य प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, और जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में जीरो डिग्री का कोण बनता है। ये आपका जीरो डिग्री वाला है कि जब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, मतलब ओवरलैपिंग बोलते हैं उसे, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उनके बीच में क्या होता है, जीरो डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके से 12 घंटे में 11 बार, कितने बार, 12 घंटे में 11 बार जीरो डिग्री का कोण बनता है, 24 घंटे में 22 बार। तो इसको हम क्या आगे लिख लीजिएगा इसमें कि जब दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी होती है, तब जीरो डिग्री का कोण बनता है, और प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करूं कि 30 डिग्री का 30 अंश का, तो 30 अंश कब बनता है, जब इन दोनों सुइयों के मध्य 5 मिनट की दूरी होती है, तो 30 अंश का कोण बनता है। एक बार इससे पहले बनेगा और एक बार इसके बाद बनेगा यहाँ पे। तो आपका एक घंटे में कितनी बार बना, दो बार बना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि कितनी बार बनता है 30 डिग्री का, तो प्रत्येक घंटे में इसमें देखो दो बार बन रहा कि नहीं बन रहा। इसी तरीके से आगे आएगा फिर, जब मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब घंटे वाली सुई के सापेक्ष मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतर पर हो, तो उनके बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो जब दोनों सुइयों के मध्य बीच में 5 मिनट की दूरी होती है, तो उनके बीच में 0 अंश का, सॉरी 30 अंश का कोण बनता है। इसके बाद आ जाओ 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री का बनता है जब दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होती है, जैसे 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, 9 बज रहा है, 9:30 बज रहा है, इस तरीके से यहाँ 15 मिनट की दूरी है कि नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दो एक घंटे के बीच में 5 मिनट की दूरी होती है। इस तरीके से पूरे 3 घंटे के बीच में कितने मिनट की होगी, 5-5 मिनट की होगी। तभी तो कहते हैं 3 में कितना मिनट होता है, 15 मिनट होता है कि नहीं होता, 12 में कितना मिनट होता है, 0 मिनट होता है। तो जब दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होती है, तो 90 अंश का कोण बनता है, तो प्रत्येक घंटे में दो बार बनता है। दो बार का मतलब है 12 से 1 के बीच में दो बार बनेगा, 1 से 2 के बीच में दो बार बनेगा, 2 से 3 के बीच में दो बार बनेगा। इस तरीके से प्रत्येक घंटे के बीच में, प्रत्येक घंटे के बीच में, बात को समझना, दो बार बनता है, लेकिन लेकिन 3 से 4, 9 से 10 के बीच में केवल एक एक बार 90 अंश का कोण बनता है। इसीलिए 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक घंटे के बीच में दो बार तो बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक एक कम हो जाता है, इसीलिए ये कितनी बार बचता है, 22 बार बचता है। तो इसमें देख लेना कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयां, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां दो दो बार, दोनों सुइयां दो दो बार 90 अंश का कोण
बनाती हैं, परंतु 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक एक बार बन 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसके बाद 180 अंश की बात करें, 180 अंश हम जानते हैं कब बनता है, जब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो। एक सीधी रेखा में कब कैसी हो, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो देखिए, घंटे वाली सुई सुई की दिशा उत्तर की ओर है और मिनट वाली सुई की दिशा दक्षिण की ओर है, और एक सीधी रेखा में है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का, 180 अंश का कोण बना। और 180 अंश का कोण बना तो इनके बीच में जो दूरी है, कितने मिनट की दूरी है, 30 मिनट की दूरी है, मतलब 30 मिनट का अंतर है। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में जब 30 मिनट की दूरी होती है तो 180 अंश का कोण बनता है। तो प्रत्येक घंटे में अगर हम देखें तो प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाती हैं और 24 घंटे में 22 बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहां पर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ये मेरी 100% गारंटी है आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिखना लिख लीजिएगा। तो ये 4 कोण थे आपके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसके बाद जैसे हम आपसे कहें, एक घड़ी है, ये सबको पता होता है कि 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होते हैं। होते कि नहीं होते हैं, तभी तो कहते हैं जब सुई यहां से यहां पे आती है, 1 पे मिनट वाली सुई आती है, तो हम लोग कहते हैं कि 12 बजकर 5 मिनट हो गया है, यही तो कहते हैं। तो प्रत्येक घंटे के बीच में क्या होता है, ये 5 5 मिनट होते हैं। ठीक, अब यहां से हम आपसे कहें कि एक घंटे में घंटे वाली सुई, एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। और बनाती कैसे है वो भी आप देख लीजिए, जब एक पूरा सर्किल होता है, मतलब एक वृत्त का चक्कर लगता है, मतलब 12 घंटे का, क्योंकि घंटे वाली सुई है, और जब घंटे वाली सुई है तो उसका पूरा 12 घंटे का होगा। जब कि घंटे वाली सुई 12 घंटे का चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री जाएगी कि नहीं जाएगी, जब 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनता है, तो एक घंटे में 12 दिया 36, तो एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का। अब यही से हम आपसे कहें, यही घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो यहां घंटे में दिया गया और घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो घंटे है, एक घंटा है, एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटे 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, मतलब 1/2, 1/2 डिग्री। कहने का मतलब यह 1/2 कह लीजिए या 0.5 डिग्री। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है और 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है, मतलब 0.5 डिग्री चलती है। ठीक है, अब आपका हमने आपको इसमें शायद नहीं बता पाया कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के सापेक्ष एक घंटे में 55 मिनट अधिक चलती है। क्यों, कैसे, जब मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट चलती है तो एक घंटा होता है, तब घंटे वाली सुई भी 5 मिनट चल जाती है। 12 बजा है तो 12 बजने के बाद जब मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट का चक्कर लगा लेगी, समझना, 12 बजा है
और जब मिनट वाले से पूरा घूम के आएगी और एक चक्कर लगाएगी 12 पे आ जाएगी, तो घंटे वाले से एक पर पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? तो जब एक पर पहुंचेगी तो मिनट वाले से कितना चली? 5 मिनट चली। और घंटे वाली सुई कितना चली थी? पूरा 60 मिनट चली थी। तो यहां से हम देखें कि मिनट वाली सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो घंटे वाली सुई के सापेक्ष 55 मिनट अधिक चलती है, क्योंकि घंटे वाली तो मात्र 5 मिनट चल पाती है। क्यों चल पाती है? वही चीज बताने के लिए हम आपको यहां पर लाए हैं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में मात्र 0.5 डिग्री चलती है, और मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना चलती है, जो इतनी स्पीड से आगे निकल जाती है। तो जब घंटे वाली मिनट वाली सुई 60 मिनट में 60 मिनट चक्कर 60 मिनट घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, और एक मिनट में 360 / 60 6 बार कैंसिल हुआ तो 1 मिनट बराबर कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। इसीलिए जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में 0.5 डिग्री चलती है। इसीलिए मिनट वाली सुई आपकी घंटे वाली सुई के सापेक्ष 55 मिनट अधिक चलती है। तो ये नोट कर लीजिएगा, आगे आपको काम आने वाला है। और जिस किसी को भी वीडियो क्वालिटी अगर क्लियर नहीं दिख रही हो तो वो अपने वीडियो क्वालिटी में जाए और उसकी क्वालिटी जो है थोड़ा 360 पे कर लीजिए, आप करिएगा 240 या 360 पे आप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें बताया बोला गया था मुझसे कि सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप 360 पे अपनी क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो की, आपको सारे वीडियो क्लियर दिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम इसके बाद ये तो टॉपिक के स्टार्टिंग में जो भी था हमने आपको बता दिया कि क्लॉक में क्या कैसे होता है। अब आपका यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जैसे एक घड़ी में 3:40 मिनट पर 3:40 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, यहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम कहें कितने डिग्री का 3:40 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 3:40 मिनट पर है तो 30h डिफरेंस 11/2 इनटू m। इस फॉर्मूले को लगा लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे? H मतलब क्या है? H का मतलब है आवर से, मतलब घंटे वाली सुई से, और M का मतलब है मिनट, मिनट वाली सुई से। तो 30 H मतलब आवर कितने बजकर कहा गया है? 3 बजकर कहा गया है इनटू 3 डिफरेंस 11/2। M मतलब मिनट, कितना मिनट है? 40 मिनट है, तो 40 का गुणा कर दिया, 2 से क्या 40 को कैंसिल कर दीजिए, 20 बार हुआ। 30 का 3 में गुणा करेंगे 90 और 11 × 2 = 22, 220, और 220 में से अगर हम 90 घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 220 में से अगर 90 घटा देंगे तो 220 में से आप पहले 220 में से पहले आप 20 कर देंगे, सॉरी देखिए 220 में से आप 90 को माइनस करेंगे क्या होगा? 12 + 9 = 30, 130। तो 130 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। कि आप अगर ये कहें सर ये वाला छोटा है ये बड़ा है, कभी भी कोण माइनस में नहीं आएगा, इसलिए ये आपका डिफरेंस होता है। और डिफरेंस का
मींस होता है डिफरेंस का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटा देना। तो ये इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक, इसको देख लीजिए। इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे कि जब किसी दो जब कोई भी टाइम दिया जाता है और उनके बीच में कौन पूछा जाता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा टाइप भी हम आपको बताएंगे कि दूसरा मेथड क्या होता है जो बिना फॉर्मूले का है, विदाउट फॉर्मूला आप उसको लगाएंगे। अगर समझ में आ जाए आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे लगाइएगा। कोई ये नहीं है कि आप दोनों मेथड समझे, दोनों से आप लगाने की कोशिश करें। पहले एक से लगाने की कोशिश करिए, जब एक से लगाने लगे तब दूसरे से कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे से मेथड से कैसे लगाएंगे हम कि 3:40 है, कितना है 3:40। तो हमने अभी आपको बस बताया था इसके पहले कि घंटे वाली स्त्री एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, और मिनट वाली एक मिनट में 6 डिग्री का। बस घंटे वाली का घंटे वाले कोण में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, और इसमें मिनट का आधा करके जोड़ दीजिए। समझना बात को, घंटे वाली सुई का और घंटे वाली सुई जितने उसका कोण बनाती है घंटे में उसमें गुणा किया तो 90 आया, फिर इसमें जोड़ना क्या है मिनट का आधा करके जोड़ना है हमें। ठीक है, तो कितना हो गया ये 110 हो गया डिफरेंस। अब मिनट वाली सुई 40 मिनट पर है और मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। 240 हो जाएगा तो कितने डिग्री का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री आ जाएगा। तो इससे भी आप उसको लगा सकते हैं, आपको जैसे भी लगाना हो, दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा और देख लेते हैं। दो बजकर तीस मिनट है, अगर फॉर्मूले में रखेंगे 30 × 2 डिफरेंस 11/2 × 3, 2 से ये 15 बार हुआ, 30 × 2 = 60, 15 × 1 = 15, कितना हो जाएगा 165। तो कितने डिग्री का बना, 105 डिग्री का कोण बना। तो समझ में आया कैसे निकालते हैं। अब यहां से एक चीज और जो बताने लायक है कि यहां पे अगर 30 है और 30 की जगह पे अगर वो कोई ऐसी संख्या कर दे जैसे 31 कर दे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आएगा। देख लीजिए 30 × 2 11/2 × 31, तो 60 तो है ही, डिफरेंस 2×5 = 10, 10 × 5 = 5। अब 5.5 का आप 31 में गुणा करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 110.5। या तो ऑप्शन में आपको पॉइंट में मिलेगा या सही बटे में मिलेगा, 110 सही 1/2 डिग्री, ये भी आपको मिल सकता है। और आगे एक चीज और याद रखना है, जब कभी भी कोण आपका 180 डिग्री से ज्यादा निकल के आ जाए तो वहां पे आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, बात को समझना, जब आंसर 180 से ज्यादा आता है तो वहां पे आपका आंसर वो सही नहीं होता है, आंसर हमेशा आपका 180 या 180 से कम होगा तभी आपका आंसर होगा। तो जब 180 से ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है
पूरा जो एक घड़ी है जब रथ का चक्कर लगाती है तो 360 अंश का कोण बनाती है, जब 180 अंश से ज्यादा आ जाएगा तो मतलब आपको 360 में से एक कोण तो पता चल गया ना, अंदर वाला जब पता करना है तो क्या करेंगे 360 से घटा देते हैं उसको, वहां से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और वहां पे क्लॉक आपकी और अच्छे से जो आगे के टाइप है वो आपको बता देंगे। इतना आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जहां भी प्रॉब्लम हो रही हो वहां पे कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो अपलोड होता रहे तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।